ग्रीटिंग्स फ्रॉम समीर मलिक हार्ट केयर फाउंडेशन फंड, इनिशिएटिव ऑफ हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया। मेरे साथ में प्रदीप सेठी हैं, ये एक मेडिकल शॉप में काम करते हैं, इनकी उम्र 20 साल है और सीवियर एओर्टिक रिगर्जिटेशन है, इनको एओर्टिक वैल रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। हमने इनको अपने फंड के अंदर में अडॉप्ट कर लिया है और इनकी हम सर्जरी करवा के देंगे। नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट के अंदर में हम इनको रेफ़र कर रहे हैं, जहाँ पर इवैल्यूएशन होने के बाद में इनकी सर्जरी होगी। ये 1,25,000 रुपये अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे, इसके बाद का जो एक्सपेंस है इसके ऊपर जो आएगा वो फाउंडेशन उसका खर्चा उठाएगा। तो तकलीफ क्या होती है आपको? सांस फूलता है, चलने में छाती में क्या होता है? कभी कभी दर्द होता है, कभी। क्या करते हो तुम? मेडिकल शॉप के अंदर में। तो आगे जाके क्या करोगे ऑपरेशन के बाद में? देखो क्या तुम बताओ ना, जब ठीक हो जाओगे तो कुछ तो बताओगे तुम्हारा मन में। मेडिकल शॉप में, वहाँ अपनी दुकान है या जॉब करते हैं इसके साथ में? तो इनका इवैल्यूएशन के बाद में हम लोग डिसाइड करेंगे कि और इसकी डेट लेके ऑपरेशन करा के देंगे। ग्रीटिंग्स फ्रॉम समीर मलिक हार्ट केयर फाउंडेशन फंड, इनिशिएटिव ऑफ हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया। मेरे साथ में प्रदीप सेठी हैं, 20 साल के हैं, इनको बैक एस्पिड एओर्टिक वैल था, सीवियर एओर्टिक रिगर्जिटेशन था और मॉडरेट एलवी डिसफंक्शन था। इनको वैल की ज़रूरत थी, इन्होंने हमें समीर मलिक हार्ट केयर फाउंडेशन फंड में अप्रोच किया और नेशनल हार्ट में आज इनकी सर्जरी होने के बाद में आज इनका डिस्चार्ज हुआ है और पंजाब में रहते हैं, ये वापस पंजाब जाएंगे और एक कार्ड इनको हम बना के देंगे जिसकी बेसिस पे आगे जाके इनको हमेशा मेडिसिन के ऊपर में डिस्काउंट मिलता रहेगा। प्रदीप जी, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका मेडिकल शॉप? एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? ऑपरेशन ठीक हो गया? अब वो पहले वाली तकलीफ तो नहीं है? नहीं। पहले क्या तकलीफ होती थी आपको? पहले सांस फूलता था, अब नहीं है। पहले कोई तकलीफ नहीं थी। वो तो हमें मेडिकल करवाया था तो हमें पता चला, मुझे पता चला कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है। तो वो वॉल्व चेंज कराना था, वो हो गया। अब बिल्कुल खुश हो आप? अब चल पा रहे हो, सांस नहीं फूल रहा, सब कुछ नहीं बल रहा, सब कुछ ठीक है। चलो, थैंक यू।